जुबेर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। जुबेर भाई कैसे हैं आप? हो कितने दिन हो गए मेडिकल करवाए हुए आपको? गए 25 दिन दिन हो गए हैं। पच्चीस और दिन है जी। आपका वीजा वीजा भी लग गया है, टिकट भी हो गया है। जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिजनौर इसमें लिखा हुआ है। जी जिला बिजनौर यहाँ से कितना तकरीबन किलोमीटर होगा? 450 450 किलोमीटर। तो इस ऑफिस तक कैसे पहुंचे आप? सऊदी में बात हुई थी आपसे, एक लड़के को बुलवाया था आपका ऑफिस के जरिए। मेरे ऑफिस। क्या नाम था उस जी लड़के का? दानिश। दानिश दानिश। नया ड्राइवर था, रिटर्न था, नहीं, नया ड्राइवर था। नया ड्राइवर मेरे ही जी थ्रू बुलाया गया था। जी तो अभी वो दानिश जहाँ पे बुलाया गया वहाँ काम कर रहे हैं ठीक ठाक, कोई मुश्किल नहीं? नहीं मैं आ गया वहां से। अच्छा, आपने बुलवाया जी था, वीजा हमसे लिया था, नहीं नहीं वीजा भेजा गया था वहां से। वीजा आपने भेजा था, मैंने सर्विस करके दी थी, ऐसे है ना? जी। तो अभी वो लगे, उसके बाद फिर आपको लगा कि हाँ काम ठीक ठाक हो रहा है, इस वजह से फिर आप हमारे थ्रू काम करने जी लगे, बिल्कुल। सही ना? तो अभी कितना सैलरी पे आप जा रहे हैं? 1800 1800 सैलरी। रियाद रियाद का वीजा बताया गया है, का 1800 रियाल सैलरी। तो जी। कैसा रहा यहाँ पे काम? क्या मतलब, जैसे काम करवाया तो मेरा जो स्टाफ है, विक्टोरिया ग्रुप का जो स्टाफ है, वो आपसे कैसे बात किए, हम कैसे बात किए, हमारे भाई साहब रहते हैं वो कैसे बात किए? स्टाफ पूरा माशाल्लाह बढ़िया है आपका, और आदत काम अखलाक की वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। जी वहाँ से मुझे आपकी आदत अखलाक अच्छा लगा, इसलिए जो है मैं यहाँ इतनी दूर तक पहुँचा हूँ। हाँ। बाकी वरना इतनी दूरी पे बिजनौर और कहाँ, लखनऊ, चार साढ़े जी तो ज़्यादा वहाँ के लिए तो आपका तो पास लखनऊ, पड़ेगा, दिल्ली ज़्यादा पास दिल्ली पड़ता पास है। जी ज्यादा पड़ेगा, तो वहाँ आप भी जा सकते थे, कई ऑप्शन है जी आपके जी पास, जी है ना? बिल्कुल तो यहाँ आप लखनऊ, आप जो है कि अखलाक की वजह से। जी तो आप जुबेर भाई, आपका जो वीजा भी लग गया है, ये इनका पासपोर्ट था जुबेर भाई का, और ये इनका टिकट है, सऊदी एयरलाइंस का टिकट दिया है, और ये इनका वीजा लगाया है, वीजा लगा हुआ है 1800 रियाल सैलरी पे, और इनके पासपोर्ट पे इमिग्रेशन भी था, जो हमने भी पहले नहीं देखा था कि पासपोर्ट में इमिग्रेशन है, और अभी मगर इनको तो इन्होंने मालूम बताया था, नहीं जुबेर भाई था, को तो साइलेंट मालूम, ये था। समझे होंगे कि इसका कोई ज्यादा इशू नहीं, इसी वजह से इन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझा। बाद में भी जब इमिग्रेशन पेपर बन के आया तो फिर मैंने इनको बताया है। तो जुबेर भाई, आप ये बताइए कि जब से काम हुआ है आपका और अभी तक जब आप टिकट पासपोर्ट लेने आए, उस टाइम से और अभी तक प्रेशर, पैसे के लिए कोई प्रेशर दिया गया आपको? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं ऐसा रहा कुछ नहीं। जी। जब मैंने टिकट किया तो टिकट भी मैंने शायद आपसे पूछा था कि 27 तारीख को हम टिकट कर रहे हैं, और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन एक हफ्ते पहले दे दी गई थी कि 27 तारीख के आपका टिकट है। आपने पहले ही हमसे कहा था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप हमको यानी टिकट करवा दीजिए, तो जी। उसी हिसाब से हमने 27 तारीख आपको की दी। जी अभी आप जाएंगे वहां पर, या तो हमारा भाई लेने आएगा या तो कफील लेने आएगा। अगर हम वहां होते तो हम ही लेने आते, और बहुत जल्दी मैं आ रहा हूँ, इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी, इंशाल्लाह। ठीक है? बाकी हमारे व्यूवर्स जितने देख रहे हैं, जो बहुत से लोग अच्छे ऑफिस की तलाश में हैं, या बहुत से लोगों का पैसा मर गया, बहुत से लोगों का पासपोर्ट भी चला गया और उनका काम नहीं हो पाया, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जरा 1 मिनट अगर कुछ बता दे तो जी ज्यादा मैं यही बेहतर। कहना चाहूँगा, यहाँ विजिट करिए एक दफ़े ऑफिस में। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और अहमद भाई का अखलाक, आदत अखलाक सभी का यहाँ भी बहुत अच्छा है, और पैसे भी इतना कोई ख़ास नहीं लगता है यहाँ पे, और काम भी फास्ट हो रहा है। एक दफ़ा आप विजिट करिए, इंशाल्लाह बेहतर होगा ये हमारे काम। जुबेर भाई कोई हैं, फ्रॉड नहीं है, कोई वैसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह काम बढ़िया होता है। ये जो बोल रहे हैं ये किसी के दबाव में नहीं है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कभी आप सोचे कि इनको दबाव बनाया गया है इनको बोलने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं, ये इनकी अपनी पर्सनल राय है। तो प्लीज आप एक बार विजिट करिए, और रिटर्न ड्राइवर का जितना अच्छा यहाँ से काम होता है, क्योंकि रिटर्न ड्राइवर का हमारा ज्यादातर काम है, रिटर्न ड्राइवर का जितना अच्छा काम यहाँ से होता है, भाई आप पूरे इंडिया में आप ढूंढ लीजिए, अगर इससे अच्छा कोई काम दे दे मत जाना। एक बार आके विजिट करिए, उसके बाद देखिए क्या है क्या नहीं। जब लगे कि ठीक है तो ठीक है, अगर लगे ठीक है तो पासपोर्ट दे देना, अगर लगे कि नहीं ठीक है तो पैसे जो आप खर्चा करके आओगे मेरे ऑफिस, उसका पैसा मैं आपको दे दूंगा किराया। सिर्फ एक बार आप आइए, तो आइए, और हमारे पास जो है नए ड्राइवर के खाना बनाने वाला रिटर्न, या नया, या इस तरह वाला, या कोई सा भी आदमी हो, अगर कोई है जाना चाहता हो, तो प्लीज एक बार ऑफिस में आए, कॉन्टेक्ट करिए, विजिट करिए, बात करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।